एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही छोटा था और उस राजा के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे, तो उसे हर समय ये डर रहता कि कब किधर से कोई उसके राज्य पर हमला कर दे। तो एक बार वो राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था, तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए दिखते हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गाँव वाले उन्हीं से हर चीज़ की राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुज़ुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखे। ये सुनने के बाद उन बुज़ुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसा तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा कर रखे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो उस तावीज़ को खोलने के बाद वो तावीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस तावीज़ को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो और तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, तब तुम उस तावीज़ को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा उस तावीज़ को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजा को पता था कि ये उसके साथ एक दिन ज़रूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे और इसीलिए वो ये जंग हार गया। लेकिन किसी तरह से राजा एक घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला और वो जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वो राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुज़ुर्ग का दिया हुआ तावीज़ अपने गले में नज़र आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस तावीज़ को खोलकर देखा। उस तावीज़ के अंदर उसे एक चिट्ठी दिखी जिस पर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहाँ से बच निकला और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से उस राजा ने अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत ही छोटी लाइन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी है, चाहे आप पर बहुत सारा कर्जा हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब ये लाइन खुद को बोल कर देखना। आपको एक सुकून मिलेगा और आपको ये फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन कल, परसों और एक ना एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा और तभी आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो और जब आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें सुख भी हो और दुख भी, तभी लगता है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।